अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सुलेखा फिरोज और आप देख रहे हैं टेस्टी वॉक। आज की हमारी रेसिपी है ट्रेडिशनल तंदूरी चिकन। उसके साथ हम बनाने वाले हैं तंदूरी नान या कुलचे और एक चटपटी ड्राई फ्रूट वाली चटनी बनाएंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। खास बात आज की डिश की ये है कि इसका मसाला जो हम मैरिनेट करेंगे वो हम सील पर पीसेंगे और चटनी भी हम सील पर ही बनाएंगे। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन इसकी जो चटनी बनकर तैयार होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। अब ढाबा जाना छोड़ देंगे, इतनी मज़े की चटनी बनकर तैयार होती है, उसका जायका ही अलग होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने चिकन लिया है लेग पीस के साथ होल और बीच में से कट किया है और ब्रेस्ट पीस रखा लिया है। उसको अभी मैं डीप कट्स लगाने वाली हूँ ताकि मसाला अंदर तक मैरिनेट हो जाए। ब्रेस्ट पीस पर भी मैं लगा लूंगी और एक पैन में जीरा रोस्ट कर रही हूँ मैं, फिर अखा धनिया रोस्ट कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून, फिर काजू और बादाम रोस्ट कर रही हूँ मैं 10 से 15, और फिर ये हमारा सील है, इसपे मैं अदरक डाल रही हूँ, लहसुन डाल रही हूँ, 1.5 इंच अदरक है और 2 कली लहसुन की है और सूखी लाल मिर्चें हैं 8-10, उसको अभी मैं पीस ली हूँ, हल्के हल्के हाथों से पीसना है। फिर इसमें भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सौंफ डाल रही हूँ मैं, 1 टीस्पून धनिया डाल रही हूँ हाँ, और इसको भी मैं क्रश कर ले रही हूँ। अब इसमें मैंने 4 to 5 टेबल स्पून पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हंग कर्ड लिए हैं मैंने 4 to 5 टेबल स्पून, कसूरी मेथी ली है मैंने 2 टेबल स्पून और फ्यू कलर ड्रॉप्स लिए हैं और ये चिकन टिक्का मसाला डाला है मैंने। और अब नींबू डाल के मैं इसे अच्छी तरह हाथों से मैरिनेट करूँगी, फिर सॉल्ट ऐड कर लिया है और इन सबको अच्छे से मिला लेना है, अंदर तक इसे अच्छे से मैरिनेट करना है हमें, मसाला अंदर अंदर तक लगाना है अच्छे से। फिर इसे मैंने एक कोयला रखा है छोटी सी कटोरी में और इसका स्मोक दिया है इसको ताकि तंदूरी फ्लेवर आ जाए। अब कोयला निकाल ले रही हूँ मैं और इसे मैरिनेट कर लूँगी 3 से 4 घंटा। अब एक बोल में आटा ले गूंद रही हूँ मैं कुलचे के लिए, 2 कप आटा है ये मैदे का, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है मैंने और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, इसे मिक्स कर लेना है। फिर इसमें दही ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 कप। अब इसे अच्छे से मिक्स करके आटा गूंद लूंगी मैं थोड़ा थोड़ा पानी यूज करके, ज़्यादा पतला डो नहीं बनाना है, डो सॉफ्ट। फिर ऑयल डाल के इसे मैं अच्छी तरह गूंद लूंगी और इसे कवर करके रख दूंगी 2 आवर्स के लिए ताकि ये राइज हो जाए। अब देखिए कितना सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसका छोटा पेड़ा बनाकर इसे हल्के हाथों से बेलूंगी मैं थोड़ा सा, फिर अंदर इसके ऑयल, मेल्टेड बटर थोड़ा ब्रश करना है हमें, फिर थोड़ा आटा डाल के इसका पराठा शेप पेड़ा बना लेना है हमें। अब इसे बेल लूंगी मैं कुलचे के शेप में, फिर ऑयल या बटर लगाइए, फिर कलौंजी लगाना है, इसके बाद कोथमीर लगा रही हूँ मैं थोड़ी सी और ये कसूरी मेथी है, इसे हमें लगाकर थोड़ा प्रेस कर लेना है और ये हमारी रोटी तैयार है।
ऐसी सारी बना लूंगी मैं। अब एक पैन गरम करना है और उस पर हमारे ये कुलचे रखकर सेक लेना है इसे, और थोड़ा थोड़ा साइड में मैं घी या ऑयल ऐड कर रही हूँ। देखिए कितनी फूल गई है हमारी रोटी, ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है। बस अब ये बनकर तैयार है, प्लेट में निकाल ले रही हूँ मैं। अब चटनी के लिए मसाला पीसना है हमें, उसके लिए सबसे पहले 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली है मैंने, 1 इंच अदरक लिया है और 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। अब एक अनियन डाल रही हूँ मैं स्लाइस किया हुआ, और इसे अच्छी तरह से मैश कर ले रही हूँ मैं। अब एक टोमेटो मैंने ऐड किया है, फिर ज़ीरा, सूखा धनिया और सौंफ जो हमने पहले भून के रखा था वो डाल के इसे मैं पीस ले रही हूँ। अब दही ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून, कसूरी मेथी ऐड किया है मैंने, कोथमीर ऐड की है, और इन सबका एक अच्छा थिक पेस्ट बना लेना है हमें। फिर ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ मैं, काजू और बादाम जो पहले से रोस्ट करके रखे थे मैंने। अब इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ मैं। अब इन सबको अच्छी तरह से सिलबट्टे पर इसको पीस लेना है, और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून, और इसे अच्छी तरह क्रश करके पेस्ट बना लेना है। सामने से इसे फ्रंट में लाइए जैसे मैंने किया है। अब इसमें लाइम जूस ऐड करना है नींबू, और 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, और उसे पीस के फिर मैं एक छोटी सी कटोरी में निकाल ले रही हूँ। हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब ग्रिल पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैरिनेटेड चिकन में डाल रही हूँ, और इसे दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से हमें पका लेना है, ग्रिल कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, फास्ट फ्लेम नहीं, वरना ऊपर से चिकन जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। दोनों साइड से अब हमारी चिकन पक चुकी है, अब उसे मैंने जाली पर रख दिया है गैस पर, ताकि हम उसे थोड़ा भून लें तंदूरी फ्लेवर के लिए और इफ़ेक्ट के लिए। इसी तरह बिना ओवन के गैस पर ही तंदूरी बना सकते हैं। ऐसे बहुत अच्छी चिकन बनकर तैयार हो जाती है। अब हमारी चिकन रेडी है, प्लेट पर मैं इसे निकाल ले रही हूँ। साथ में मैंने थोड़ा सैलड सर्व किया है, उसमें मैं नींबू डाल रही हूँ। देखिए कितना जूसी और टेंडर है अंदर से चिकन, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और हमारी चटनी तो बहुत ही लाजवाब है जो हमें इसके साथ सर्व करनी है। और हमारे कुलचे इतने सॉफ्ट है, फिर बस इसे सर्व कर लीजिए।